नगर कौंसल दीआं चोणां नूं लै के सियासी पार्टियां ने मैदान विच आके बिगुल बजा दिता है। तुहाडे सहयोग दे लई हाजर होए हन, इसलिए मैं सारे नूं अपील करदा हाँ कि 14 तरीक नूं आपां अपने इस कीमती वोट दे अधिकार की वरतों करते हुए इन्हां नूं एक बार फिर सेवा का मौका दईए। बाकी कई बार दूसरे उम्मीदवारों के सपोर्टर आके गलत प्रचार करते हैं अपने। तुर विच पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने कांग्रेस पार्टी की जित लई उम्मीदवारां दे हक विच प्रचार करन पहुंचे। शहर निवासियों वालों श्री विजेंद्र सिंगला जी का इत्थे पहुंचण दे जी आया हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो साढ़े MLA साहब उन्हां दे नाल उन्हां नूं लैके मंच दे विराजमान होणगे। श्री सिंगला जी बहुत ही दोस्तों इन्ने रुझेवियां दे विचों किन्ने उन्हां कोले किन्ने कम ने, किन्ने डिपार्टमेंट ने सरकार दे विच, किन्नियां किन्नियां लोकां दीआं इच्छावां नूं पूरियां करदे होए अपने कोले इक वार्ड है, इन्हां कोले सारा पंजाब है, पंजाब दा हर शहर इन्हां कोले, पंजाब दा हर वासी इन्हां कोले, किन्नियां किन्नियां लोकां दीआं फरमाइशां पूरियां करदे होए हर बंदे नूं अपनी हाजरी दर्शाते हुए हर एक जगह इस चुनाव प्रचार समय उन्होंने दूसरी पार्टियां ते वार करदे हुए कहा कि पंजाब विच सिर्फ ते सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो लोकां नाल इंसाफ ते विकास कर सकती है। पत्रकारां नाल गल करदे हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जां अकाली दल पार्टी दे काम किते भी वेखण नूं नहीं मिले, जबकि कैप्टन दी सरकार ने हमेशा अपने उम्मीदवारां नूं पंजाब दे विकास दे मुद्दे नूं लैके चुनाव मैदान विच उतारा है और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ही सारियां सीटां ते जीतण दा दावा करदी है। कांग्रेस पार्टी ने चंगे उम्मीदवारां नूं चोण मैदान विच उतारे और विकास दा मुद्दा है, पारदर्शिता नाल चोण हो रही है, हर कैंडिडेट अपनी मेहनत कर रहे हैं। वादा इको ही है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हमेशा डिवेलपमेंट के एजेंडे नूं मुख रखे है। इत्थे दे MLA दलबीर सिंह गोल्डी जी ने पिछले 3.5 साल तो डिवेलपमेंट नूं मुख रख के अपने इलाके की अपने शहर की तरक्की वास्ते काम किया। उस आधार से कांग्रेस पार्टी के 21 दे 21 वार्डों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की वड्डी जित होगी। ताकि मैं थोड़ा यह विश्वास ना कहना चाहना कि आने वाली चोणों के 14 तरीक न कांग्रेस पार्टी की सारे 21 वार्डों में वड्डी जित होगी बड़े मार्जन। सर किसानी मुद्दे नूं लैके किस तरह देखती है कांग्रेस पार्टी? दिल्ली के धरने हाल तक जो किसान ने उत्थे बैठे ने, मोदी सरकार है कन्नां ते जू तक नहीं सक रही। देखो गल ये है कि आप सब नूं पता है कि ये BJP की मोदी सरकार का अड़ियल रवैया है, जिन्हां दे मन दे विच 200 किसानों की शहादत का दर्द नहीं है। उस तो समझ सकते हो कि मोदी की BJP सरकार का की सोच हो सकती है। वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों का तो अपना पेट भुखा रख के इस देश की जनता का पेट भरन का काम किया, लोगों के परिवारों के 200 लोगों की शहादत हो गई। उस गल ते मोदी साहब ने अज तक एक टिप्पणी नहीं की। इस तो पता लगता है कि वह BJP की मोदी सरकार का की थॉट प्रोसैस है, की उन्होंने सोच है। ये पंजाब के लोग हैं, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे किसान है, चाहे गरीब मजदूर है, चाहे आड़ती है, तो चाहे ट्रांसपोर्टर है, ये सब का एक 9 मास का रिश्ता है। इन्होंने सारे ने मिल के लोगों का देश का दे प्रति जो जिम्मेवारी से उन्होंने सारे ने मिल के पूरा किया है। सरकार लोग बनाते हैं, लोगों तो बड़िया सरकार नहीं होंदिया। जे किसी सरकार ने 3 कानून बनाते तो उन्होंने वापस लैन के कोई दिक्कत नहीं। हुण वेखना यह होवेगा कि विकास के नाते वोटां पैणगियां या भ्रष्ट मुक्त चुनाव मुद्दे नूं लैके लोक वोट पाणगे। लोड़ है देश दी नींह नूं ईमानदारी नाल कौण मजबूत करन दा जिम्मा चक्केगा। भारत संदेश लई धूरी तों धर्मवीर सिंह दी रिपोर्ट।